और एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन लोग हमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं भैया का फैन हूँ और मैं भैया से मिल लिया और विवान भी देख करके वन फर्स्ट टाइम में ही भैया के साथ बिल्कुल फ्रैंक हो गया। बरेली में है और देख लीजिए कौन है, ये साक्षी जी हैं और अजितेश भाई हैं, दोनों हमारे ब्लॉग में आए हैं और ये प्यारा सा बेटा है इनका विवान। और हम बरेली में, स्वाद का सफर चल रहा है, जायकों का सफर चल रहा है, स्वाद और जायकों के सफर में हमारे, बल्कि मैं इनको मेहमान नहीं कहूँगा, मेहमान तो मैं हूँ बरेली का। तो सर का फोन मेरे पास पिछली बार भी आया था, मेरी बड़ी मिलने की इच्छा भी थी लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं मिल पाया। तो सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। मैं गाइस आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं भैया को बहुत पसंद करता हूँ, वो भैया का जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है मुझे बहुत पसंद है। बाकी जो जो हम दोनों को लव मैरिज कपिल को पहचान रहे हैं, प्लीज़ भैया के वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा। और बाकी मैं भैया से फर्स्ट टाइम जब बरेली आए थे भैया तब भी मिलना चाह रहा था, लेकिन क्या था कि भैया का बिजी शेड्यूल था, फिर मैंने फ़ोन ऊन करा था भैया निकल कर, लेकिन मेरी किस्मत थी कि भैया इस बार आए और भैया ने, मैंने आज मतलब फेसबुक पे ही कमेंट करा था तो भैया ने मुझसे संपर्क करा और फाइनली हम लोग मिल गए हैं। और एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन लोग हमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं भैया का फ़ैन हूँ और मैं भैया से मिल लिया और विवान भी देख करके वन फर्स्ट टाइम में ही भैया के साथ बिल्कुल फ्रैंक हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। साक्षी आप भी कुछ कहना चाहती हो सैम्स ब्लॉग के लिए तो प्लीज़ कह सकती हो। तो बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि अजितेश थोड़े फूडी टाइप के हैं तो वो भैया के ब्लॉग देखते हैं और मुझे दिखाते हैं कि देखो ये कितना अच्छा अच्छा, यहाँ खाने चलेंगे, यहाँ चलेंगे, रामपुर चलेंगे। तो अजितेश ने मुझे भैया के बारे में बताया और अजितेश ने मुझे भैया की पहली वीडियो दिखाई थी, तब से मैं भैया को जानती हूँ और मैं भी फैन हूँ भैया का, जो बोलने का स्टाइल है उसका। मैं फूडी नहीं हूँ लेकिन अजितेश के साथ जाना पड़ता है मुझे। बाकी प्लीज मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि भैया के चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मतलब जितना आप भैया को सपोर्ट कर सकते हैं करिए। देखिए मुझे पता है आप सब लोग भैया को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं और लोग, मतलब मैं कमेंट जनरली करता नहीं हूँ किसी के वीडियो पे, लेकिन भैया के वीडियो पे मेरा कमेंट जरूर जाता है क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ भैया की वीडियो पे कमेंट करने से। तो भैया मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बाकी फिर से बोलना चाहूँगा, जिस जिसने पहचान लिया हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ब्लॉग के बारे में, साक्षी बताएंगे क्योंकि मेरा मोटिव नहीं था अपना चैनल प्रमोट करने, लेकिन आपने बोल दिया। हमारा चैनल है साक्षी अजितेश ब्लॉग्स नाम से और हमारी फेसबुक और यूट्यूब, और जो मेरी फेसबुक आईडी है वो साक्षी मिश्रा के नाम से है। तो जाकर आप हमारे ब्लॉग देख सकते हैं, मेरे ब्लॉग्स पे आपको फूड ब्लॉग भी मिल जाएंगे और जागरूक वाले मुद्दों पे मैं बात करती हूँ। हाँ, महिलाओं के प्रति जो भी अत्याचार हो रहा है समाज में उनके उनके बारे में मैं बात करती हूँ, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं और मेरे ब्लॉग देखकर एक हिम्मत ही मिलेगी आपको, क्योंकि वैसे ही कमेंट्स आते हैं मेरे ब्लॉग्स पे कि हमें हिम्मत मिलती है दीदी आपको देख के, हम आवाज़ उठा रहे हैं गलत के खिलाफ। तो उस टाइप के ब्लॉग आएंगे, डेली ब्लॉगिंग करते हैं हम, अपने बच्चे की एक्टिविटी दिखाते हैं और एक लव मैरिज कपल को समाज में किस तरह की दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं वो हम आपको बिल्कुल खुल्लम दिखा रहे हैं। जो भी स्ट्रगल चल रहा है वो आपको दिख जाएगा, दिख जाएगा। बहुत समय दे दिया भैया ने और वीडियो भी काफी हो गई होगी लंबी। हाँ। तो प्लीज मैं फिर से कहना चाहूंगा मेरे भैया को, आमिर भैया है ना, आमिर भैया, क्योंकि सैयद साहब मतलब मैं बोलता हूँ इनको, मुझे दिया था पता चला आज ही, आमिर भाई को प्लीज आप लोग बहुत सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच सो नाइस, थैंक यू भैया। हेलो गाइस, बोलो। तो भाई स्वाद का सफर, जायकों का सफर जारी रहेगा, अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, जय हिंद।